हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका माय यूट्यूब चैनल ओनली टेक सपोर्ट। मेरे पास है रियलमी का लेटेस्ट जो है रियलमी 7। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं रियलमी 7 के अंदर आप अपने एप्लीकेशन को कैसे हाइड करें, कई बार आपको जरूरत पड़ती है सिक्योरिटी रीजन का अपने एप्लीकेशन को हाइड करना, या बहुत सारे एप्लीकेशन ऐसे होते हैं जिन्हें आप हाइड करना चाहते हैं और किसी को शो करना नहीं चाहते, किसी को दिखाना चाहते हैं, किसी को नहीं दिखाना चाहते। जैसे कि आपका एक गैलरी होता है जिसमें आपकी फोटोज एंड वीडियो होती हैं जो सबको शो कराने लायक नहीं होती हैं। तो वैसे इसी वीडियो में आपको यही बताने वाले हैं अपने एप्लीकेशन को कैसे हाइड करें या हाइड ऐप कैसे करें। तो वीडियो में बहुत सिंपल सिंपल स्टेप रहने वाले हैं, वीडियो एंड तक जरूर देखना तभी आपको समझ में आएगा। तो चलिए गाइस वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपने अब तक हमारा चैनल नहीं किया सब्सक्राइब तो चैनल कर लें सब्सक्राइब। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको हमारा अगली वीडियो नोटिफिकेशन मिल सके सबसे पहले। तो आपको अपने एप्लीकेशन हाइड करने के लिए सबसे पहले चलना होता है सेटिंग में। यहाँ से हम आ जाते हैं सेटिंग में। जैसे ही आप सेटिंग में जाएंगे, सेटिंग में जाने के बाद आपको ऑप्शन देखने को मिलता है प्राइवेसी, सिंपली हम इस पर क्लिक कर लेंगे। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको ऑप्शन देखने को मिलता है ऐप लॉक, सिंपली हम ऐप लॉक पर क्लिक करेंगे और जो पैटर्न डाल रखा है आपने वो पैटर्न डाल देंगे। यहाँ से हमने एक पैटर्न डाल दिया और उसके बाद आपकी यहाँ सारी लिस्ट खुल जाती है एप्लीकेशन की जिन्हें आप हाइड करना चाहते हैं। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ से हम अपने एप्लीकेशन को हाइड करना चाहते हैं। सबसे पहले हमने फोटोज ले लिया, इसे इनेबल किया, उसके बाद यहाँ आपको ऑप्शन आ रहा है हाइड होम स्क्रीन आइकन, सिंपली हम इस पर क्लिक करें। जैसे ही आप इस पर क्लिक करें तो यहाँ से ये मांगेगा सेट एक्सेस नंबर, एक एक्सेस नंबर डालना है आपको जिससे आप अपने एप्लीकेशन को एक्सेस करना है। तो सिंपली हम इस पर क्लिक कर लेंगे और ये एक्सेस नंबर ये होगा जो हैज से शुरू होगा और हैज से ही एंड होगा, बीच में चार अंकों का होगा। तो सिंपली हम अपना नंबर डाल लेते हैं, यहाँ से मैंने अपना नंबर डाल दिया है और हैज ये हमारा नंबर तो पड़ गया। और गाइस आपको ये नंबर याद रखना है, इसी से आप अपने एप्लीकेशन को एक्सेस कर सकते हैं। सिंपली यहाँ से हमने कर दिया डन। डन करने के बाद आपको 2-3 सेकंड बाद यहाँ ऑप्शन आ जाएगा देखने के लिए डन करने का, जैसे कि हमारा आ चुका है। और यहाँ से आपको अपने नंबर याद रखना है, आपने जो भी नंबर डाले हैं आपको याद रखना है। यहाँ से अभी आपकी एप्लीकेशन हो गया हाइड। जैसे कि आपको देख सकते हैं यहाँ आपको ऑप्शन आता है डू नॉट डिस्प्ले रिसेंट टच और डू नॉट डिस्प्ले नोटिफिकेशन। आपको इसकी ना ही तो कोई नोटिफिकेशन होगी ना ही कहीं सब होगा आपके रिसेंट टास्क में। तो चलिए यहाँ से हम कुछ और एप्लीकेशन ले लेते हैं अपने, और ले लेते हैं हम जैसे कि अपना व्हाट्सअप ले लिया हमने, इसे इनेबल किया और इसे यहाँ से कर दिया हाइड। तो यहाँ से मैंने ये दो एप्लीकेशन ले लिए हैं अपने हाइड करने के लिए। चलिए यहाँ से हम चेक कर लेते हैं हमारी एप्लीकेशन हाइड हुए हैं नहीं हुए हैं। तो यहाँ से हम आ जाते हैं बैक। बैक आने के बाद अब आप देख सकते हैं हमारी गैलरी कहीं भी शो नहीं हो रही होगी, ना ही तो आपकी डिस्प्ले पर ना ही तो आपकी होम स्क्रीन पर। यहाँ से भी आप चेक सकते हैं, यहाँ से आप चेक कर सकते हैं कहीं भी आपकी डिस्प्ले पर शो नहीं होगी आपका व्हाट्सअप और आपकी गैलरी। अब बात आती है हमने इन्हें हाइड किया उन्हें एक्सेस कैसे करना है। तो उन्हें एक्सेस करने के लिए आपको डायलर में आ जाना है। जैसे ही डायलर में आएंगे तो हमने जो एक नंबर डाला था एक्सेस नंबर, सिंपली हमने वो नंबर डाल लेना है हैज और नंबर डाल दे। जैसे ही आप अपना नंबर डाल देंगे आपकी गैलरी एक्सेस हो जाती है। यहाँ से आपके हाइड ऐप जो भी आपने हाइड किए हैं वो सारे यहाँ आ जाते हैं और इन्हें आप यहाँ से सिंपली यहाँ से यूज कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। आप यहाँ से आप अपने सारे एप्लीकेशन को एक्सेस कर सकते हैं। इस प्रकार से आप अपने एप्लीकेशन को हाइड तो कर सकते हैं। अब जरूरत पड़ती है हमने अपने एप्लीकेशन हाइड कर दिए, इन फ्यूचर का भी जरूरत पड़ी उन्हें अनहाइड करने की, तो उन्हें अनहाइड कैसे करना है तो चलिए मैं आपको वो भी बताता हूँ कि अनहाइड कैसे करना है। तो सिंपली यहाँ से हम चलते हैं बैक और आपको अनहाइड करने के लिए चलना होता है सेटिंग में। यहाँ से हम गए सेटिंग में। सेटिंग में जाने के बाद यहाँ से आ जाएंगे प्राइवेसी में। प्राइवेसी में जाने के बाद फिर से हम वही आएंगे ऐप लॉक पर। जैसे ही आप ऐप लॉक पर क्लिक करेंगे यहाँ से अपना पैटर्न डालेंगे। पैटर्न डालने के बाद अब वहाँ से आपको ऑप्शन देखने मिलता है शो लॉग्ड ओनली, सिंपली हम इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे यहाँ से आपने जो एप्लीकेशन हाइड किए हैं वो आपके यहाँ शो हो रहे हैं, सिंपली हम इस पर क्लिक करेंगे और इसे यहाँ से कर देंगे ऑफ। यहीं से आप अपने व्हाट्सअप को भी यहाँ से ऑफ कर देंगे। अब आपकी डिस्प्ले में ना ही कोई पासवर्ड है ना ही तो ये हाइड है, वहाँ से हम चेक कर लेते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारी गैलरी और व्हाट्सअप दोनों यहाँ आ गए आपकी डिस्प्ले पर, और आप यहाँ से भी देख सकते हैं आप यहाँ भी आपके शो हो रहे होंगे, गैलरी यहाँ आ गई हमारी, व्हाट्सअप यहाँ आ गया। इस प्रकार से आप अपने फ़ोन के अंदर अपने फोटो एंड वीडियो को और अपने ऐप को हाइड और अनहाइड कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको अगली वीडियो नोटिफिकेशन मिल सके सबसे पहले। मिलते हैं आप सब किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।